हेलो, आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल शिक्षा भारती क्लासेस में वैष्णव सर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 1 परिमेय संख्याएं के प्रश्नों को हल करना सीखने वाले हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हुई हैं जिन्हें हम पहले समझना सीखेंगे ताकि हमको सवाल अच्छी तरह से समझ में आ सके। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप जहाँ पर वीडियो देख रहे हैं उसी के नीचे आपको इस तरह से सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर टच करना है। फिर आपको घंटी के ऑप्शन पर टच करना है, नोटिफिकेशन में आपको आल के ऑप्शन पर टच करना है, वीडियो को आपको अवश्य लाइक करना है। यदि आपको कक्षा 8 के विषय गणित के किसी भी अध्याय की वीडियो देखना हो तो आप हमारे चैनल के लोगो पर टच करके वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हम डिस्क्रिप्शन पर भी सभी वीडियो की लिंक उपलब्ध करा देंगे, तो वहाँ से भी आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। चले इसके हम कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्मों को देख लेते हैं। तो देखिए 1.2 में हमको क्या दिया है, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। यहाँ पर दिया है 1.2.1 संवृत। तो सबसे पहला काम देखिए पूर्ण संख्याएं। अब देखिए पूर्ण संख्याओं के लिए हमको संवृत नियम देखना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी कहलाती हैं। तो देखिए शून्य से प्रारंभ होती हैं पूर्ण संख्याएं और कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक। तो इस तरह से ये सभी क्या हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान रखना है आपको पूर्ण संख्याओं में सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आइए एक बार पुनः संक्षेप में पूर्ण संख्याओं के लिए सभी संक्रियाओं पर संवृत गुणधर्म की चर्चा करते हैं। अब देखिए संवृत गुणधर्म क्या होता है, हमको किसके किसके लिए चेक करना है। जैसे मान लीजिए ए हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है, और बी भी हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। मतलब ये दोनों की दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या को W संकेत से दर्शाते हैं अपन। तो इस तरह से मान लीजिए ये दोनों की दोनों पूर्ण संख्या हैं, तो इनका योगफल भी क्या होना चाहिए, हमको एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होना चाहिए, तब क्या होगा, ये संवृत होगा। उसी प्रकार घटाना के लिए जैसे मान लीजिए ए और बी हमारी जो है पूर्ण संख्या है, तो जब ए और बी पूर्ण संख्या हैं तो इनका जो है अंतर, जो है जो अंतर हमको प्राप्त होगा वह अंतर भी क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। उसी प्रकार से हमको भाग के लिए भी चेक करना है। जैसे मान लीजिए ए और बी पूर्ण संख्या है, और यदि ए और बी पूर्ण संख्या है तो इनका जब हम भाग दें, भागफल ए बटे बी, ये भी हमको क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या प्राप्त होना चाहिए। इसी प्रकार से गुणनफल के लिए भी, यदि ए और बी पूर्ण संख्या हैं तो उनका गुणनफल भी हमको पूर्ण संख्या प्राप्त होना चाहिए। अब इसे हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आपको कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, तो उसकी मदद से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए शून्य क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और 5 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। अब इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमको 5 प्राप्त होता है, और यह 5 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये संवृत हैं। फिर इसी प्रकार देखिए जब हम 4 में 7 को जोड़ते हैं, दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, तो हमको योगफल कितना प्राप्त होता है, 11 प्राप्त होता है। अब ये दोनों पूर्ण संख्या हैं और जो योगफल प्राप्त हुआ वह भी पूर्ण संख्या है। इसका मतलब जो पूर्ण संख्याएं हैं योग के लिए संवृत होती हैं। इसी प्रकार से अब हम व्यवकलन के लिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए 5 पूर्ण संख्या है और 7 भी पूर्ण संख्या है। अब हम 5 में से 7 को घटाने वाले हैं, तो देखिए 5 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो हमको -2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 5 पूर्ण संख्या है, 7 पूर्ण संख्या है,
पर जो हमको ऋण 2 प्राप्त हुआ है यह पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो उनका घटाना व्यवकलन संवृत नहीं है। इसी प्रकार से हम गुणन के लिए चेक करेंगे, तो देखिए गुणन में ये 0 पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है। अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमको 0 प्राप्त होता है, यह भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब पूर्ण संख्याएं गुणन के लिए संवृत होती हैं। अब इसको भी लिख लेते हैं, तो देखिए 3 पूर्ण संख्या है, 7 भी पूर्ण संख्या है। अब इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमको 21 प्राप्त होगा, और 21 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब गुणन के लिए पूर्ण संख्याएं क्या है, संवृत हैं। और यदि इनका गुणा करने पर हमको पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती तो फिर ये संवृत नहीं है। अब इसी प्रकार इसको हम भाग के लिए देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 5 भाग में कितना है, 8 है, तो 5 में हम 8 का भाग देते हैं तो कितना प्राप्त होगा, इनको भाग को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए चूंकि ये दोनों संख्याएं एक दूसरे से विभाजित नहीं हो रही हैं, इस कारण से जब हम 2 पूर्ण संख्याओं का भाग दिए तो हमको ये पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुई, और जब हमको पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुई इसका मतलब पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। फिर इसी प्रकार से हमको अब पूर्णांक संख्याओं के लिए भी चेक करना है, तो यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पे दिया है पूर्णांक। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए जो पूर्णांक संख्याएँ होती हैं 0 के दाईं तरफ जो है धनात्मक होती हैं, और ये कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक। मतलब इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं वो सभी कहाँ तक होंगी, अनंत तक होंगी। इसी प्रकार 0 के जो बाईं ओर है इसमें ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, और ये ऋणात्मक संख्याएँ भी इधर कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक। जो ये चिन्ह है ये किसका चिन्ह है, अनंत का चिन्ह है। मतलब जो हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं उसमें धन वाली संख्या भी होती हैं और ऋण वाली संख्या भी होती हैं। अब हमको चेक करना है कि जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो संवृत हैं या नहीं हैं, तो सबसे पहले हम इसे योग के लिए चेक करते हैं। तो देखिए ऋण 6 एक पूर्णांक संख्या है, और 5 भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमको ऋण 1 प्राप्त होता है, और ऋण 1 भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब पूर्णांक संख्याएं क्या है, योग के अंतर्गत संवृत हैं। इसी प्रकार इसको देख लेते हैं, ऋण 7 धन ऋण 5। अब देखिए ऋण 7 में हम ऋण 5 को जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, ऋण 12 प्राप्त होगा, और ऋण 12 भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। इसलिए पूर्णांक संख्याएं योग संक्रिया के लिए क्या है, संवृत हैं। इसी प्रकार इसको देखिए 8 धन 5, 8 में 5 जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 13 प्राप्त होगा, और 13 भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब पूर्णांक संख्याओं का योगफल जो है संवृत है। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगली संक्रियाओं को देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर अब हमको व्यवकलन मतलब घटाना के लिए चेक करना है कि पूर्णांक संख्याएं जो है संवृत हैं या नहीं। तो देखिए 7 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, और 5 भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो हमको 2 प्राप्त हो रहा है, और 2 भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। मतलब पूर्णांक संख्याओं का जो व्यवकलन है, अंतर घटाना, यह क्या है, एक संवृत है। इसी प्रकार 2-4 और उदाहरण नीचे दिए हैं तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए 5 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, 7 भी एक पूर्णांक संख्या है। अब देखिए 5 ऋण 7, तो ऋण वाली संख्या बड़ी है, धन वाली छोटी है,
तुरड़ वाली बड़ी है, तुरड़ में उत्तर प्राप्त होगा। सात में से पाँच को घटा देंगे तो हमको दो प्राप्त होगा। तो देखिए जो ये ऋण दो प्राप्त हुआ है, यह भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं, ये ऋण में छः है और ये ऋण में क्या है, आठ है। तो देखिए दोनों पूर्णांक संख्या हैं। अब इसको हल करेंगे तो चूंकि दोनों ऋण में हैं तो इनका जुड़ जाएगा ये दोनों संख्याएं, तो ऋण छः और ऋण आठ जुड़ के ऋण चौदह प्राप्त होगा और यह भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। फिर इसी प्रकार देखिए ऋण छः ये एक पूर्णांक संख्या है, ऋण आठ भी एक पूर्णांक संख्या है। अब देखिए इन दोनों को हम हल करेंगे तो ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, तो ये कितना है, ऋण में छः है और ये धन में कितना हो जाएगा, आठ। अब धन वाली संख्या बड़ी है तो धन में उत्तर आएगा, आठ में से छः कम कर देंगे तो दो बचा। तो इस तरह से हमको धन में दो प्राप्त हुआ और ये धन दो भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब संवृत है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये आठ दिया है, फिर ऋण, फिर कोष्टक के अंदर ऋण छः एक पूर्णांक है। तो देखिए आठ ऋण कोष्टक के अंदर ऋण छः, अब इसे हल करते हैं तो आठ ऋण ऋण का गुणा क्या होगा, धन और ये हो गया छः। आठ में छः जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, चौदह, और ये भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब जो पूर्णांक संख्याएं हैं व्यवकलन के लिए सभी क्या हैं, संवृत हैं। इसी प्रकार से हमको चेक करना है। अब आ जाते हैं गुणन के लिए, चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पाँच हमारी एक पूर्णांक संख्या है, आठ भी एक पूर्णांक संख्या है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आठ पंचे चालीस, और चालीस भी एक पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब पूर्णांक संख्याएं गुणनफल के लिए संवृत हैं। इसी प्रकार देखिए ऋण पाँच एक पूर्णांक संख्या है, आठ भी एक पूर्णांक संख्या है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको, ऋण धन का गुणा ऋण, आठ पंचे चालीस। तो देखिए हमको ऋण चालीस प्राप्त हुआ और यह भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब संवृत होगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ऋण पाँच गुणे ऋण आठ, ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तो धन प्राप्त होगा और आठ पंचे चालीस, तो ये भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब पूर्णांक संख्याएं गुणन के लिए क्या है, संवृत हैं। फिर इसी प्रकार भाग के लिए देख लेते हैं। तो देखिए पाँच भागे आठ, तो पाँच में हम आठ का भाग देंगे तो ये दोनों संख्या एक दूसरे से नहीं कटेंगे, और नहीं कटेंगे तो जो हमारा पाँच बटे आठ है यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है। मतलब दो पूर्णांक संख्याओं का भागफल भी हमको पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए जो है ये पूर्णांक संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है। फिर इसके बाद आ जाते हैं परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याओं के लिए भी हमको चेक करना है। अब देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। परिमेय संख्या वो संख्या जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए परिमेय संख्या की यहाँ पर परिभाषा लिखा है, ऐसी संख्याएँ परिमेय संख्या कहलाती हैं जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं तथा क्यू का मान शून्य कभी भी नहीं होना चाहिए। तो यह परिमेय संख्या की परिभाषा है जिसे हम इस तरह से छायांकित कर दिए हैं। तो आपको इस परिभाषा को याद भी कर लेना है, परिमेय संख्या क्या कहलाती हैं। अब यहाँ पर उदाहरण के रूप में हमको दिया है ऋण दो बटे तीन, छः बटे सात, नौ बटे ऋण पाँच, ये सभी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। तो आप समझ गए होंगे आपके परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे भी हम p बटे क्यू के रूप में लिखेंगे वो सभी के सभी परिमेय संख्या होंगी। बस आपको ध्यान रखना है q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, मतलब जो हर वाली संख्या है हमारे वो कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, तभी वह परिमेय संख्या होगी। अब देखिए जैसे ये दो बटे शून्य हो गया,
यदि बटे के नीचे शून्य है तो फिर यह परिमेय संख्या नहीं होगी। यदि ऊपर शून्य हो और नीचे कोई संख्या है इस तरह से, तो यह एक परिमेय संख्या होगी। नीचे शून्य नहीं होना चाहिए, इसीलिए लिखा गया है Q is not equal to zero, मतलब Q का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में या फिर बटे के रूप में लिखा जा सके, वो सभी परिमेय संख्या कहलाती हैं। बस उसके Q का मान, हर का मान शून्य कभी भी नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद इसे और आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, परिमेय संख्या है, इसकी जांच कीजिए। पहला, अब देखिए हमको परिमेय संख्याओं की भी जांच करना है। तो यहाँ पर देखिए हमको उदाहरण दिया हुआ है, ये संख्या कितनी है, 3/8। 3/8 धन ऋण 5/7। अब हम 8 और 7 का लघुत्तम निकालेंगे एलसीएम, तो हमको 56 प्राप्त होगा। फिर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 56 कितनी बार में आएगा, 7 बार में, 8 × 7 = 56। तो 7 का हम उसी के ऊपर की संख्या में गुणा करेंगे 3 में, तो कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 21। फिर इसी प्रकार 7 का टेबल पढ़ेंगे, 56 कितनी बार में आएगा, 7 × 8 = 56, 8 बार में। तो 8 का क्या करेंगे, उसी के ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे, तो 8 × 5 = 40। तो ये प्राप्त हो गया। अब देखिए 21 ऋण धन का गुणा ऋण हो जाएगा, तो 21 × 40, ऋण वाली संख्या बड़ी है तो ऋण में उत्तर आएगा, 40 में से 21 को घटा देंगे तो ऋण 19/56 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दो परिमेय संख्याएं हैं, इन दोनों परिमेय संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं, इनका योगफल ज्ञात करते हैं, तो जो हमको संख्या प्राप्त हुई वह भी क्या प्राप्त हुई, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई। इसी प्रकार यहाँ पर एक और उदाहरण दिया हुआ है, तो इसको भी हल करने पर देखिए हमको जो भी प्राप्त हुआ है यहाँ पर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ऋण में 15 है और ये ऋण में कितना है, 32 है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए ऋण और ये ऋण है, तो चूंकि ऋण धन का गुणा ऋण होता है, इसलिए ये ऋण 15 और ये भी ऋण धन का गुणा ऋण में होगा, कितना है, 32। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। तो इस प्रकार से हमको ऋण 47 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर ऊपर हमको कितना प्राप्त हो गया, ऋण में 47 और बटे में कितना, 40। तो देखिए यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार इसको भी हमको हल करना है। तो देखिए यहाँ पर 4/7 धन 6/11 दिया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हर की दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे। तो 11 और 7 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा, 77 आएगा। यदि आप चाहें तो इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पे 7 लिख लेंगे और यहाँ पे 11 है। अब देखिए ये संख्या किससे विभाजित होगी, 7 से, तो 7 × 7। अब ये 7 से विभाजित नहीं होगा, तो इसको आपको ऐसे ही लिख लेना है। फिर इसके बाद 11 से विभाजित करेंगे तो 1 विभाजित नहीं होगा, और ये 11 × 1 = 11। जब नीचे 1 आ जाए तो आपको काम करना बंद कर देना है। अब इन दोनों संख्याओं का हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, वही क्या होगा, हमारा लघुत्तम होगा। तो देखिए 11 × 7 = 77। तो इस तरह से आप लघुत्तम निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको भी हमको चेक करना है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल या जोड़, हमको एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है या नहीं। तो चलें इसे और आगे हल कर लेते हैं। अब हम 7 का भाग देंगे 77 में, तो देखिए इस प्रकार से 77 लिख लेंगे आप, इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 × 7, फिर 7 में से 7 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब इस 7 को लिख लेंगे, फिर 7 × 7, फिर देखिए 7 में से 7 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से हमको भागफल कितना प्राप्त हो गया, 11 है। तो जब हम 7 का भाग दिए इस लघुत्तम में तो हमको 11 प्राप्त हुआ। अब हमको इसी के ऊपर वाली संख्या में क्या करना है, 11 का गुणा करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 11 × 4। फिर इसके बाद इसको दूसरे भाग को हल करते हैं।
अब देखिए यहाँ पर हर में हमको क्या दिया है उस संख्या को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाग में 11 है, अब हमको क्या करना है 11 का भाग देना है इस 77 में। तो यहाँ पर हम 11 का भाग देंगे 77 में। तो देखिए 11 का टेबल पढ़ेंगे 7 बार, तो 11 7 77 प्राप्त होगा। 77 में 77 घटाएंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो कितने बार भाग गया 7 बार भाग गया, मतलब हमको ऊपर वाली संख्या में 7 का गुणा करना है। तो इसमें 7 का गुणा करेंगे तो 7 × 6 ये प्राप्त हो गया। अब इसे और आगे हल कर लेते हैं। तो देखिए 11 का गुणा 4 में करेंगे तो 11 × 4 = 44 हो गया। फिर 7 का गुणा 6 में होगा तो 7 × 6 = 42 हो गया, और बटे में कितना है 77 है। फिर इसे और आगे हल कर लेते हैं। अब इन दोनों संख्याओं को हमको जोड़ना है। तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा, फिर 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त होगा, और बटे में कितना है 77 है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या पा रहे हैं, हमारे द्वारा दो परिमेय संख्या 4/7 धन 6/11 इन दोनों को जोड़ा गया है। तो जोड़ने पर हमको 86/77 प्राप्त हुआ। यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या है कि जो परिमेय संख्या है योग की क्रिया के लिए संवृत हैं। फिर इसके बाद आगे इसको और चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर घटाना के लिए हमको चेक करना है अंतर के लिए, क्या अंतर में जो परिमेय संख्याएं हैं वो संवृत होती हैं या नहीं। संवृत को हम फिर से आपको बताना चाहेंगे एक बार। संवृत का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ए और बी दो ठो आपकी संख्या परिमेय संख्या है, यदि आप दोनों परिमेय संख्या हैं तो इनका दोनों का जोड़ भी जो प्राप्त हो वह भी एक परिमेय संख्या हो, इसका मतलब हमारा जो परिमेय संख्या है वो संवृत है। उसी प्रकार घटाने में आपको चेक करना है, यदि दो संख्याएं परिमेय संख्या हैं और उनका अंतर घटाना भी हमको जो प्राप्त हो रहा है वह भी परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब वो संवृत है। उसी प्रकार हम गुणन के लिए भी चेक करेंगे, यदि दो संख्याएं परिमेय संख्या हैं और यदि हम उनका गुणा करते हैं तो गुणा करने पर भी जो गुणनफल हमको प्राप्त होता है वह भी परिमेय संख्या प्राप्त होता है, तो वो संवृत है। उसी प्रकार आपको भाग के लिए भी चेक करना है। तो यहाँ पर हम योग के लिए चेक करके देख चुके हैं। अब हमको देखिए व्यवकलन घटाना के लिए चेक करना है कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर घटाना क्या एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो चले अब यहाँ पर चेक करते हैं। देखिए हमको एक संख्या क्या दिया है, -5/7, फिर इसमें से घटाना है हमको 2/3 को। अब देखिए दोनों ये परिमेय संख्या हैं, अब इन दोनों का अंतर हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हल किया हुआ है, हल करने पर -29/21 प्राप्त हुआ, और यह क्या है एक परिमेय संख्या है। तो देखिए दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब परिमेय संख्याएं जो हैं व्यवकलन के लिए अंतर के लिए संवृत हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हल किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ दिया गया है, इसको आपको हल करना है। तो देखिए धन में 25 है, ऋण में 32 है। तो जब आप ऋण वाली संख्या क्या है बड़ी है, धन वाली छोटी है, तो ऋण वाले में से धन वाले को घटाएंगे तो घटा देते हैं। तो देखिए 12 में से 5 घटेगा तो कितना बचा 7, फिर यहाँ 2 में से 2 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह से अंतर कितना प्राप्त हो गया, घटाने पर हमको 7 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 7/40। अब देखिए ऋण वाली संख्या बड़ी थी तो ऋण में प्राप्त होगा। तो हम क्या पा रहे हैं कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी हमको एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुआ है। अब देखिए उसके बाद हमको एक प्रश्न यहाँ पर दिया है, इसको हमको हल करना है और हल करके बताना है कि ये संवृत है या नहीं। तो इसे हम हल कर लेते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पर सवाल को लिख लेते हैं, 3/7, फिर ऋण में दिया है हमको -8/5। अब इसको हमको हल करना है। तो देखिए
तीन बटे सात, ऋण ऋण का गुणा क्या हो जाएगा धन, और ये हो गया 8/5। अब देखिए हम 7 और 5 का एलसीएम लघुत्तम निकालेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 35 प्राप्त होगा। फिर 7 का टेबल पढ़ेंगे, 35 कितनी बार में आएगा, 5 बार में, तो इसी के ऊपर 5 का गुणा कर देंगे तो 5 तिहाई 15 है। फिर यहाँ पर देखिए इस 5 का भाग देंगे 35 में, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, 35 कितनी बार में आएगा, 7 बार में, तो हम क्या करेंगे 7 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 7 8 56 ये हो गया। अब देखिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 6 में 5 जुड़ेगा तो 11 की 1 हासिल का 1, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 और ये क्या हो गया 7, और बटे में कितना है 35। तो इस तरह से हमको उत्तर कितना प्राप्त हो गया 71/35। तो यहाँ पर हमको लिख लेना है कि हमको उत्तर प्राप्त हो गया 71/35। अब देखिए जो हमको ये उत्तर प्राप्त हुआ है यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब जो परिमेय संख्या होती हैं व्यवकलन के लिए संवृत होती हैं। तो इस तरह से हम व्यवकलन के लिए चेक कर सकते हैं कि परिमेय संख्याएं संवृत हैं या नहीं। फिर इसके बाद देखिए इसी के सी वाले भाग में यहाँ पर हमको क्या करना है, परिमेय संख्याओं के गुणनफल की चर्चा करते हैं। अब हमको चेक करना है कि परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है वह संवृत है या नहीं, मतलब दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल यदि हमको एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है तो ये संवृत है, और यदि परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होता है तो वो संवृत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये दो संख्याएं हैं, दोनों का गुणा किया गया तो ऋण 8/15 प्राप्त हुआ, यह भी एक परिमेय संख्या है मतलब संवृत हैं। फिर इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 3/7 और 2/5 है, इन दोनों का गुणा करने पर 6/35 प्राप्त हुआ, और यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई, इसका मतलब संवृत हैं। अब इसको हमको हल करके चेक करना है तो देखिए यहाँ पर जो संख्याएं दी हुई हैं दोनों संख्याएं किस में हैं, ऋण में हैं, ये ऋण में 4/5 है और ये ऋण में 6/11 है। अब इनका दोनों का गुणा करेंगे तो देखिए गुणनफल कैसे होता है परिमेय संख्या के लिए, अंश का अंश के साथ गुणा, हर का हर के साथ गुणा। तो यहाँ पर देखिए गुणा के रूप में पहले लिख लेते हैं ऋण 4, फिर इसके बाद गुणे में ऋण 6, और बटे में कितना है 5/11 है। अब इसे हल करते हैं तो देखिए ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा, और 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 6 चौके 24 ये प्राप्त हो गया। फिर 11 का गुणा 5 में करेंगे तो 11 5 55, तो इस तरह से हमको 24/55 प्राप्त हो गया। अब देखिए यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब जो परिमेय संख्या होती है गुणन संक्रिया के लिए वो क्या होती है, संवृत होती है। यहाँ पर लिखा भी है परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवृत हैं। तो इस तरह से आप परिमेय संख्याओं को चेक कर सकते हैं कि वो गुणन के लिए संवृत हैं या नहीं। अब इसी प्रकार हमको भाग के लिए भी चेक करना है तो देखिए ऋण 5/3 भागे 2/5, अब इन दोनों परिमेय संख्या हैं, अब इनका भागफल हमको कितना प्राप्त हो रहा है, ऋण 25/6, और यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या पा रहे हैं कि दो परिमेय संख्याओं का भागफल भी हमको एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, इसका मतलब परिमेय संख्याएं क्या है, इनका भागफल के अंतर्गत ये संवृत हैं। इसी प्रकार से इनको हमको हल करना है तो देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया है, 2/7 / 5/3, तो इसे हल कर लेते हैं तो देखिए 2/7 भाग में हमको कितना दिया है 5/3, तो भाग किस प्रकार से हम हल करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमारी पीछे वाली परिमेय संख्या है उसके लिए ये जो भाग का चिन्ह है इसे हम गुणे में बदलेंगे तो ये संख्याएं उलट जाएंगी, मतलब नीचे की संख्या को ऊपर लिखेंगे, ऊपर की संख्या को नीचे लिखेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस भाग के चिन्ह को हम गुणे में बना लिए। अब इसे और आगे हल करते हैं
अब देखिए गुणा कैसे होगा, ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे और नीचे का नीचे गुणा, तो तीन का गुणा दो में करेंगे तो तीन दूनी छः, फिर पाँच का गुणा सात में करेंगे तो पाँच सत्ते पैंतीस, तो इस तरह से हमको कितना प्राप्त हो गया 6/35, तो ये हमको 6/35 प्राप्त हो गया। अब देखिए दो परिमेय संख्याओं का भागफल भी हमको एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये भागफल की संक्रिया के अंतर्गत संवृत हैं। इसी प्रकार से हमको इसको भी हल करना है, जो भी प्राप्त होगा यहाँ पर लिखना है। तो देखिए कितना दिया है हमको ऋण में 3/8, फिर इसके बाद भाग में कितना दिया है ऋण 2/9। अब इन दोनों का हमको भागफल ज्ञात करना है, तो जैसे अभी एक सवाल हल किए हैं उसी प्रकार से हल करेंगे। तो ये 8 हो गया, भाग के चिन्ह को गुणे में बदलेंगे तो ये संख्या उलट जाएंगे, तो ये हो गया 9/2। अब इसे हल कर लेते हैं, तो देखिए परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होगा ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा, तो ये ऋण में है 9^3 27 हो जाएगा, फिर इसके बाद ये धन 8 है ये ऋण में 2 है, तो देखिए ऋण धन का गुणा ऋण 8^2 16 है, तो यहाँ से देखिए ऋण और ऋण दोनों कट गए, तो हमको उत्तर कितना प्राप्त हो गया 27/16 प्राप्त हो गया। अब देखिए दो परिमेय संख्याओं का भागफल भी हमको एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि परिमेय संख्या जो होती हैं भागफल संक्रिया के अंतर्गत संवृत हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि परिमेय संख्याओं का समूह भाग के लिए क्या है संवृत है। इसी प्रकार से आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए प्रयास कीजिए निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यहाँ पर संख्याएं लिखा है, यहाँ पे अंतर्गत संवृत है। तो देखिए सबसे पहला काम हमको जो भी हम अभी इसके पहले देख चुके हैं, हमारे द्वारा सभी संख्याओं की जांच की जा चुकी है कि कौन संवृत है कौन संवृत नहीं है। तो देखिए अभी हम परिमेय संख्या की जांच किए हैं, योग के लिए संवृत है, व्यवकलन के लिए संवृत है, और गुणन के लिए तो इसके लिए भी संवृत था हम अभी चेक किए हैं, तो यहाँ पर आपको हाँ भरना है। फिर यहाँ पर देखिए जो पूर्णांक संख्या थी इनको भी हम चेक कर चुके हैं कि किस किस के लिए संवृत हैं और किस के लिए संवृत नहीं है। तो देखिए पूर्णांक संख्याएँ योग के लिए संवृत हैं, तो यहाँ पर हम हाँ लिख लेंगे। पूर्णांक संख्या गुणन के लिए, तो देखिए पूर्णांक संख्याएं गुणन के लिए संवृत हैं या नहीं है, तो ये संवृत हैं हम चेक कर चुके हैं, तो यहाँ पर हाँ लिख लेंगे। फिर इसी प्रकार पूर्ण संख्याएं, तो देखिए पूर्ण संख्याएं योग के लिए संवृत थी हम चेक कर चुके हैं। फिर यहाँ पर देखिए व्यवकलन के लिए पूर्ण संख्याएँ संवृत नहीं थी, तो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए गुणन के लिए पूर्ण संख्या संवृत है, भाग के लिए पूर्ण संख्या संवृत नहीं थी, तो यहाँ पर हम संवृत नहीं है लिख लेंगे। फिर इसी प्रकार प्राकृत संख्याएं, तो देखिए प्राकृत संख्याएं योग के लिए संवृत थी, तो यहाँ पर हम हाँ लिख लेंगे। व्यवकलन के लिए संवृत हैं या नहीं, तो ये तो नहीं पहले से ही भरा है। फिर इसी प्रकार गुणन के लिए, तो यहाँ पर आपको हाँ लिख लेना है। फिर इसके बाद भाग के लिए, तो संवृत नहीं है, तो यहाँ पर हम नहीं लिख लेंगे। अभी देखिए हमारे द्वारा परिमेय संख्या के लिए चेक कर चुके हैं, पूर्णांक संख्या के लिए हम चेक कर चुके हैं, पूर्ण संख्या के लिए भी चेक कर चुके हैं। अब आपको इसको प्राकृत संख्या के लिए चेक कर लेना है। अब देखिए प्राकृत संख्या के लिए, प्राकृत संख्या होती कौन कौन सी हैं, तो देखिए एक से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी कौन सी संख्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्या कहलाती हैं। तो इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सभी क्या कहलाएंगी, प्राकृत संख्या कहलाएंगी। तो इनके लिए भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आपको चेक करना है तो आप यहीं पे चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए योग के लिए 2 में हम 3 जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना होता है 5,
तो इसके जोड़ में भी हमको 5 प्राप्त हुआ, मतलब एक प्राकृत संख्या प्राप्त हुई। तो इस प्राकृत संख्या क्या है, योग के लिए संवृत है। उसी प्रकार घटाना के लिए देख लेते हैं, तो देखिए घटाना के लिए क्यों संवृत नहीं है ये, यदि हम मान लीजिए 3 में से घटा देते हैं किसको, 5 को, तो देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो ऋण वाली संख्या बड़ी है तो ऋण में प्राप्त होगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा, तो हमको ऋण 2 प्राप्त हुआ। अब देखिए जो ऋण 2 है ये प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि ये सभी धनात्मक होती हैं, इसलिए व्यवकलन के लिए प्राकृत संख्याएं संवृत नहीं होती हैं। फिर इसी प्रकार हम गुणन के लिए और भाग के लिए भी चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए गुणन के लिए चेक करते हैं तो 2 और 3 प्राकृत संख्या है, इनका गुणा करेंगे तो हमको 6 प्राप्त होगा, और 6 भी क्या है, एक प्राकृत संख्या है। इसका मतलब प्राकृत संख्याएं गुणन के लिए संवृत होती हैं। फिर इसी प्रकार से हम भाग के लिए भी चेक कर लेते हैं, तो अब देखिए भाग के लिए चेक करते हैं, यदि हम 2 में 3 का भाग देंगे तो ये कटेंगी ही नहीं, तो ये 2/3 प्राप्त हुआ, और 2/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो भाग देने पर हमको प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं हो रही हैं, इसका मतलब प्राकृत संख्याएं भाग के लिए संवृत नहीं है। आशा करते हैं आज की वीडियो में बताए गए परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याओं को हम किस प्रकार से चेक करेंगे, संवृत हैं या नहीं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह आपको हमारी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहे, भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, तो उसके लिए आपको जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं उसी के नीचे आपको कुछ इस तरह से सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा, तो आपको यहां पर टच करना है, फिर आपको घंटी के ऑप्शन पर टच करना है, फिर नोटिफिकेशन में आपको आल के ऑप्शन पर टच करना है, वीडियो को आपको अवश्य लाइक करना है। यदि आपको कक्षा 8 के विषय गणित के किसी भी अध्याय की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल के लोगों पर टच करके प्लेलिस्ट में जा करके किसी भी अध्याय के किसी भी प्रश्नावली की वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के अगले भाग में हम क्रम विनिमेयता नियम के बारे में सीखेंगे कि क्रम विनिमेयता नियम का पालन परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, योग के लिए, व्यवकलन के लिए, गुणन के लिए, भाग के लिए कौन कौन सी संख्याएं क्रम विनिमेयता नियम का पालन करती हैं। इसी के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जल्द ही मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ।